डब्ल्यू बी ईट्स वॉज अ पोएट हु राइट लेक ईस्ली ऑफ एनिसफ्री, वेयर एनिसफ्री इज अ प्लेस ऑफ आयरलैंड वेयर पोएट वेंट टू गो एंड सेटल एंड कीन डिजायर ऑफ स्टेइंग इन अ स्मॉल हट अराउंड ऑफ द हट हु वॉन्ट टू प्लांटिंग सम वेजिटेशन सम स्मॉल ट्री एंड रेयरिंग द goat cow and we as well and want to listen the sound of the cricket in evening or morning time let's go to understand the poem I will rise and go now and go to Innisfree and I small cabin build there of clay and battle mat 9 bean row will I have there A hive for the honeybee and life alone in the bee lot glad. And I shall have some peace there for peace come dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnet's wing. I will rise and go now for always night and day. I hear lake water leaping with low sound by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement gray, I hear it in the deep hear score. Let's understand what actually the meaning of this wonderful poem. इस poem में जो poet है वह अपने बचपन के समय टाइम को याद करता है जब वह एनिसफ्री गया था. वहाँ के वह सैनिक ब्यूटी से और पीसफुल एटमॉस्फेयर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था. अब वह आज ही और अभी ही अब जाना चाहता है एनिसफ्री और वो चाहता है कि वहाँ मैं जाऊँगा और एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा और वो कैबिन कुछ सीमेंट और लोहों से नहीं बल्कि पूरी तरीके से लकड़ियाँ और मिट्टी का बना होगा. साथ ही वह वहाँ बागवानी करेगा और बीन रोज के 9 कतारें लगाएगा और हाइव रखेगा, मधुमक्खी पालेगा. साथ ही वह वहाँ मधुमक्खियों की बचते ध्वनि से और वह अकेला ही उसको महसूस करना चाहता है. वह कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा और मुझे वहाँ शांति मिलेगी, पूरी तरीके से शांति मिलेगी. जब वह सुबह आसमान में बादल होंगे उसको देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे पर्दे के पीछे आसमान छुपा हो. उस पोएट की इच्छा यहीं ही ख़त्म नहीं हो जाती. वह सुबह की सूरज की किरणें और शाम को यानी रात में चमकता हुआ चंद्रमा मून को भी देखना चाहता है और इवनिंग में एक लिनेट पक्षी जो है जो उड़ता है उसको वह देखना चाहता है. अब वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं जाऊंगा ही. और जब कभी भी वह शांत बैठता है तो उसके मन में हमेशा वहाँ के लेक वाटर की जो आवाज़ है, जो शोर किनारे जो लहरें आती हुई आवाज़ है उसको हमेशा सुनाई देता है. जब कभी भी वह रोडवे किसी सुनसान रास्ते पर चल रहा हो, साथ ही वह किसी फुटपाथ पर खड़ा हो, तब भी उसको उस लेक वाटर की आवाज़ सुनाई देती है और यह वह इस ध्वनि को बहुत ही दिल के अंदर तक इसको महसूस करता है और यहाँ पर पोएम जो है ख़त्म हो जाती है. कितनी अच्छी इच्छा जाहिर कर रहा है यहाँ पोएट. When W.B. Yeats was in his childhood stage, he had been to go Sligo, hemisphere of Iceland, because he was greatly impressed by its scenic beauty and peaceful atmosphere of Innisfree. The poet wanted to go the hemisphere and where he want to build the small cabin with a totally
फ्रॉम क्ले एंड बैटल मैट एंड ऑल्सो वॉन्ट टू डू 9 बीन्स ऑफ रोज और हॉर्टिकल्चर्स एंड हाई फॉर द रेयरिंग ऑफ हनी बी एंड ही फील अलोन इन विथ बी लाउड ग्लैड वेयर द पोएट फील ओनली पीस 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 ड्रॉपिंग स्लो एंड ऑल्सो द पोएट वॉन्ट टू फील इन द मॉर्निंग टाइम वेन ही सॉ द स्काई एंड क्लाउड विथ ग्लैमरस इफेक्ट एंड पोएट वॉज ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन द साउंड ऑफ द क्रिकेट क्रिकेट मीन्स स्मॉल इंसेक्ट वी राइज द साउंड क्रिकेट साउंड वी लिसन इन द रूरल एरिया और रूरल विलेज द पोएट डिजायर डज नॉट एंड एट हु ऑल्सो वॉन्ट टू सी द साइन राइज टाइम एज वेल एंड ऑल्सो वॉन्ट टू सी द फ्लाइंग लिनेट words on the sky because whenever the poet stand on the roadway or pavements gray who always listen the sound of the shore of river lake which are totally disturb the deep heart of core of the poet and the poet is Phoenix.